पहली
बार हो रहा है, रमजान में चूंकि टाइम बदल गया है, कई लोग आप में से आए नहीं होंगे, तो ये आधे रुकू का मैं दस दे चुका हूँ। और इसमें जो शुरू की बात है वो खुद ही तफसील से बात हो चुकी थी। बस इशारतन ये है कि अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, इंसान को दुनिया में क्यों भेजा है, क्या मकसद है दुनिया में भेजने का आपका, किस तरह शिकार करता है शैतान इंसान का, कैसे कैसे गुनाह पर उकसाता है, किस चीज़ में है आपकी कामयाबी हकीकत में, ये सब का बयान है इस सूरत के अंदर, इस रुकू के अंदर। तो ये बात यहाँ तक हो गई थी पिछले दर्स में कि शैतान मोहलत मांग रहा है अल्लाह ताला से गुमराह करने की, इंसानों को मोहलत मांग रहा है, मैं इंसानों को गुमराह करना चाहता हूँ, इंसान ने मुझे जन्नत से निकाला है, इंसान ने मुझे अल्लाह ने इस मकाम बुलंद से गिराया है जो मुझे हासिल था, मैं इंसान को इस जन्नत से निकाल दूंगा और मैं साबित कर दूंगा कि इंसान बर्तर नहीं है बल्कि इंसान मेरी ही तरह से भटक सकता है, गुमराह हो सकता है, वो इस काबिल नहीं था कि उसको दुनिया के खिलाफ अदा की जाए। इस बात को साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि तू दोज़ख में जाएगा, तू धुतकारा हुआ है, अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं रही खुदा की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेगा, तो आतिश इंतकाम से झुलस रहा है। अब उसकी सारी तवज्जोहात का मरकज ये है कि वो ये साबित कर दे कि इंसान एक जलील मखलूक है और इंसान खुदा के सरकश नाफरमान है और इंसान को गुनाह की दिलफरेबी से बचाया जा सकता है, ये बात साबित करके वो अल्लाह के सामने दिखाना चाहता है। ये उसके खुदी का, उसके अना का सवाल, उसके एगो का सवाल शैतान, तो इसलिए अपनी पूरी सलाहियतें उसने लगा दी और हर एक को गुमराह करने के जो मुनासिब तरीके हो सकते हैं वो शैतान इख्तियार कर रहा है। गुनाह में चमक दमक खुदा ने पैदा कर दी है, शैतान को ये सलाहियतें दी हैं कि वो जिस तरह चाहे गुमराह कर सकता है। दुनिया में ये मार्ग खैर शर बनता है, ये दुनिया शैतान और इंसान की रज़मगाह है, यहाँ आपका और शैतान का मुकाबला है, दोनों अपने अपने टाइटल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने, आदम को अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया है, इंसान जमीन का खलीफा बनाया गया है, इंसान को अपने स्टैटल का दिफा करना है, शैतान को यह साबित करना है कि इंसान इसका मुस्तहिक नहीं था। पूरी पूरी ताकत और इस तरह से दुश्मनी के माहौल में खुदा ताला ने दोनों को जमीन पर उतारा है, इंसान ने महरूम किया है शैतान को उसके बुलंद मकाम से, तो शैतान ने महरूम किया है इंसान को जन्नत से, निकाल कर जमीन पर फेंकवाया है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के शदीद दुश्मन हैं और शदीद दुश्मनी के माहौल में जो बर्बा होती है कश्मकश जाहिर है कि पूरे जोर से होती है, ये अल्लाह के मंसूबे के ऐन मुताबिक है। अल्लाह ताला की जो सिफात है वो जाहिर होना थी, जाहिर है कि अल्लाह के मुकाबले में जो कोई जीत सकता नहीं था, तो शैतान कभी अल्लाह से जीत सकता नहीं था, क्योंकि ये अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, अब ये इंसान से उसका मुकाबला है। बेवकूफ़ शैतान ये समझ रहा है कि अल्लाह से मेरा मुकाबला है। आला फबीमा अग़वैतनी, ऐ मेरे रब इस बात की कसम कि तूने मुझे गुमराह किया है। तो शैतान की बेवकूफ़ी देखें, वो अपना मुकाबला अल्लाह से समझ रहा है कि तूने मुझे गुमराह किया है इसलिए मैं तुझे चलाई दे रहा हूँ। मैं शैतान का मुकाबला अल्लाह से नहीं, इंसान से, इंसान से उसका मुकाबला है, अल्लाह से नहीं है। अल्लाह से मुकाबले की बात होती तो इंसान को पैदा करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला से हारे को जीत सकता नहीं है और ये मार्ग खैर शर बर्बा होना था, इसलिए खुदा ने इंसान को पैदा किया है ताकि उसका नाइब बनकर और उसकी तरफ से ये फाइट वो करे। और इस तरह से अब दो यहाँ पर शर और खैर के मार्ग का बर्बा है, शर का मोर्चा शैतान के हवाले है और अपने टाइटल बचाने का मार्ग इंसान के हवाले है। ये दुनिया में रज़मगाह है, एक लड़ाई का मैदान है, फ्री स्टाइल रही है, ये है असल चीज, असल मकाम जो अल्लाह ने बताया। और आपको आगाह कर दिया कि आपका जो दुश्मन है जिसने आपको ये कसम खाई है बर्बाद करने की, उसको खुदा ने बेहद सलाहियतें दी और वो हर मुमकिन कोशिश आपको बर्बाद करने की करेगा, आपकी निगाहों को खीरा करने की, आपके सामने वो आग के अंगारे डालकर याकूत बताएगा, आपको जो है खूबसूरतियों के जरिए शिकार करेगा, गुनाह में बेहद चिपक अल्लाह ताला ने पैदा की है। ये सारा का सारा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, एक तमसील है, अगर आप जहन में इसको ताज़ा कर लें तो दुनिया में जो कुछ भी है सब चीज़ आपको इसी रूप से समझ में आ जाएगी, आपका मकाम और आपको क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए। काला कभी मैं अगवाई तनी, शैतान ने कहा इस बात की कसम कि तूने मुझे गुमराह किया है, ला फरदन लहुम सिरातक मुस्तकीम, जो गई सीधी राह मैं उस पर बैठ जाऊंगा, उस पर मैं बैठ जाऊंगा, जैसे डाकू बैठ जाते हैं रास्ता रोक कर, सीधी राह पे चलने नहीं देते मुसाफिरों को, जिस तक जो पहुंचने वाली राह है खुदा मैं उस पर बैठ जाऊंगा, डाका मारूंगा,
मैं लोगों को तेरे राह पर चले नहीं दूंगा, जो राह तुझ तक जाती है। इसलिए कि आदमी जब तक उस राह पर रहता है तब तक चाहे हल्के हल्के चले मगर खुदा तक पहुंच जाता है, और जब उस राह से भटक जाता है तो फिर जलालत की वादियों में जा गिरता है। इंसान की बर्बादी का वाहिद रास्ता यह है कि उसको इस राह से हटा दिया जाए। राह मुस्तकीम पर आदमी जब तक है सिरात मुस्तकीम पर, तो चाहे तेज नहीं दौड़ रहा है, हल्के हल्के चल रहा है, ठोकरे खा के चल रहा है, गिर गिर के चल रहा है, गुनाहगारी के साथ जी रहा है दुनिया में, लेकिन बिलाखिर खुदा की मर्जी पा लेता है। लेकिन जब उस राह से भटक कर दूसरी राह पर चला जाता है तो फिर वो जलालत और गुमराही बर्बादी के रास्ते पर चला जाता है। शैतान इस बात को जानता है कि खाली गुनाह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक आदमी सिरात मुस्तकीम पर है खुदा तक पहुंच जाएगा, उसको उस राह से हटाना पड़ेगा। तो मैं उस राह पर बैठ जाऊंगा, तौहीद की वो राह अल्लाह तक जो पहुंचाती है उस पर मैं बैठ जाऊंगा, जैसे डाकू बैठ जाते हैं डाका मारने के लिए। और फिर मैं हर तरफ से इनके ऊपर हमला करूंगा, आगे से भी और पीछे से भी, दाएं से और बाएं से भी, इनके आर्ट में, इनके कल्चर में, इनकी मईशतों में, इनके जराए माश में, कमाने के ढंग में, कारोबार में, रसूम में, रिवाज में, हर चीज में मैं घुस जाऊंगा इतने खामोश तरीके से कि मुझे चेक में नहीं कर पाएंगे। हर तरफ से हमलावर करूँ, नफ्सियात में, जज्बात में, अमाल में, किरदार में, हर तरफ से इनके अफकार बिगाड़ूंगा, इनके अमाल बिगाड़ूंगा, इनकी तहजीब, इनका कल्चर, इनका आर्ट, सब चीज बिगाड़ूंगा, हर चीज में घुस जाऊंगा। कमाएंगे उस तरीके से जैसा मैं कहूंगा, रसूम और रिवाज अपनाएंगे वो जो मैं कहूंगा, तहजीब तमद्दुन अपनाएंगे वो जो मैं कहूंगा, तालीम पसंद करेंगे वो जिसे मैं कहूंगा, हर चीज में, सियासत में और मईशत में, जिसको कुरान करीम की एक और आयत में इशारा फरमाया, अल्लाह ताला ने खुला चैलेंज दिया है शैतान को कि तू सारे तरीके अपना सकता है इंसानों को गुमराह करने के लिए। तुझे कोई अधिकार तो नहीं है, हक तो तुझे कुछ नहीं है, लेकिन छूट तुझको है, यानी तू गुमराह करने के लिए हर तरीका अपना सकता है, हर लालच दे सकता है, पर्चा सकता है। ये हक यानी तुझे ये वो नहीं दी गई ये ताकत के तू खींच ले किसी को गुमराही की तरफ, हाँ बहकाने के लिए तू तरह तरह के शो कर सकता है, ड्रामे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है, उसकी तुझे छूट दी जाती है। तो अल्लाह ताला ने बताया कि हाँ मुस्तफिज मन इस्तदात अनुम बिसौतिक व अजली वालेहिम बिखैलिक व रजलिक व शारिकुम फिल अमवाल वल औलाद व इन्हुम, ये ला सकता है जहां तू गुमराह कर सकता है इंसान को, जो चाहे कर सकता है। वस्तफसीस मैंने सदात में बिसौतिक, तू उनको फुसला सकता है अपनी आवाज के जरिए, बिसौतिक तू कितना भी प्रोपेगेंडा कर सकता है, तुझे पोस्टर छापने की, आवाज फैलाने की, नगमे सुनाने की, तराने गाने की पूरी इजाजत है गुनाह को दिलकश बनाने के लिए, बिसौतिक अपनी आवाज से तू गुमराह कर सकता है। वाजली वाले बिखैलिक रजलिक, तू उन पर अपने घोड़े ऊंट फौजे चढ़ा करके ला सकता है, यानी तू सियासी इख्तियार के रास्ते से भी उन्हें गुमराह कर सकता है। वशारिकुम फिल अमवाल वल औलाद, और तू उनके माल और उनके औलाद में भी शरीक हो सकता है, यानी उनकी मईशत पर भी कब्जा कर सकता है और उनकी औलादों को भी जिस राह पर तू चाहे डाल सकता है, डाल सकता है। वहीद हूं, और तू उनसे झूठे वादे भी कर सकता है, झूठी ख्वाहिशात और झूठी तमन्नाओं में उलझा कर उन्हें उनके सामने करियर का और मुस्तकबिल की खुशहाली का ख्वाब दिखाकर कि हमारी कामयाबी इसी राह में है, तू हर तरीके अपना सकता है। तो ये चार तरीके अल्लाह ताला बता रहा है जो शैतान इख्तियार करेगा, यानी सियासत का रास्ता, इख्तियार पर कब्जा करके आपको गुमराह करेगा, मईशत का रास्ता यानी आपके ज़राए माश को वो फासिद कर देगा, औलाद के अज़हान को आपके बिगाड़ देगा, प्रोपेगेंडे के जरिए, नए नए नज़रियात और अफकार के जरिए आपके ज़हन को मसमूम करेगा, और झूठी ख्वाहिशात और झूठी तमन्नाओं के जरिए इंसान को परचा के ले जाएगा। ये सारी चीजें हैं, ये सारे रास्ते हैं जहाँ से शैतान आपके ऊपर डाका मारेगा, मिन बैनी अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से, वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक चांस मिला है गुमराह करने, और इसी पर सब कुछ डिपेंड है, ये उसके जीने और मरने का सवाल है, इस पर वो अपनी सारी सलाहियतें खर्च कर देगा, इसकी खातिर वो तबाह बर्बाद हुआ है, आतिश इंतकाम से सुलग रहा है, और उस सबके बदले जो उसे दोज़ख में जलना है, और इस सबके बदले जो वराने दरगाह हुआ है, उसको सिर्फ एक चीज दी गई है कि वो इंसान को गुमराह कर सकता है। तो जाहिर है कि इसके लिए वो अपनी बेहतरीन सलाहियतें आखिरी दम तक ही लगा देगा, उसके मुकाबले में आप कमजोर हैं, ख्वाहिशात आपको दी गई हैं, आप साथ नफ्स लगा हुआ है, आप जो है दिल फरेबी से मुतासिर हो जाते हैं चमक दमक से, तो आप एक बड़ी नाजुक पोजिशन में हैं, और महज आपको समझाने के लिए कुरान करीम में खुदा के रसूल आए हैं, ताकि आप ये ना कह सके कि अल्लाह तुरंत हमें शदाब के रहम करम पर छोड़ दिया और हमें तो कुछ हिफाजत इंतजाम ही नहीं किया गया बताने का, अब बेचारे क्या करते हैं।
नहीं मान ईमान नहीं मान शमाई नहीं आगे पीछे हतरस से मैं आऊंगा घेर लूंगा मैं इंसान को चारों तरफ से घेर लूंगा, किसी को तखवे गिरा से मार दूंगा, किसी को दीन से ही दीन का शिकार कराऊंगा, किसी से ऐसा करूंगा पता ही नहीं चलेगा बेचारा जो मैं तखवा में ऐसा जोश जोश में आएगा कि अपने ही दाव में खुद ही चित गिर जाएगा, ऐसा करूंगा सब कुछ करूंगा। बुला तजी तो अक्सर हूं शाकिरीन और तू उनकी अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, ये लाभ चले दे रहा है। वला तजी तो अक्सर हूं शाकिरीन इंसानों की अक्सरियत गुमराह रहेगी, ये मैं चैलेंज करता हूं शैतान ने कहा, यानी शैतान भी यही कह रहा है कि अक्सरियत मेरी राह पर चलेगी और जमहूरियत भी यही कह रही है कि अक्सरियत जो कहती हुई आप होता है। कुरान तो ये कह रहा है कि लोगों की कलील तादाद हक पर चलेगी और आपकी अक्सरियत शैतान के शिकार हो जाएगी, यानी जो अक्सरियत का रास्ता होता है वो नाहक का रास्ता होता है, शैतान का रास्ता होता है, और जमहूरियत कहती है जो अक्सरियत का रास्ता होता है वो हक का रास्ता होता है। तो जाहिर है कि वही वजह वाली है बेखैली की वजह सियासत के रास्ते भी शैतान शिकार करेगा। वला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन قال اخرج منها مسؤوما مدحورا, अल्लाह ने कहा निकल जा यहां से छुटकारा हुआ छुटकारा हुआ। शैतान बड़े तंतने से चलाई दे रहा है अल्लाह ताला, वार्निंग छिछोड़ा अंदाज जैसे होता है किसी का, ऐसे कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी को कोई पनिशमेंट दे कोई चीज दे तो वो अलफल बकने लगता है जो उसके मुंह में आता है, लेकिन बड़े आदमी अपनी गुड़बारी बनाए रखते हैं, लहजे के अंदर वकार बनाए रखते हैं। शैतान ने अलफल के अंदाज में खुदा को चैलेंज दिया है, लेकिन अल्लाह ताला पूरी पूरी अपनी शान अजमत के साथ और जलाल जबरूत के साथ जवाब दे रहा है, जो खुदा की शान के सजावार है, तू जो चाहे भाग सकता है जो चाहे चैलेंज दे सकता है, लेकिन यहां से तू छुटकारा हुआ निकल जा, क्योंकि ये बारगाह जहां पर तकबर किसी को जेवा नहीं है, तूने यहाँ इज्जत का ढोंग बचाया है, जिल्लत ही तेरे लिए मुनासिब है, यहां से निकल जा और रह गई तेरे चैलेंजों की बात, तो जितने भी तेरे ताबे होंगे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, तुझ समीर सबको मैं जहन्नम में छोड़। अल्लाह ताला कुछ नहीं करा नहीं तू ऐसा नहीं कर सकेगा, तू झूठ बोल रहा है देख लूंगा तुझको कुछ नहीं, हाँ तू यकीनन कामयाब रहेगा लेकिन मैं तुझे भी और तेरे सारे लोगों को उठाकर जहन्नम में तुम्हारी बीवी यहां जन्नत में रहते रहो जन्नत में रहते रहो तुम भी और तुम्हारी बीवी भी फकुला मिन हैसु शितुमा वला तखरबा हदी शजरा, जहां से चाहो खाओ कोई रोक टोक नहीं है तुम्हारे लिए जन्नत में, लेकिन सिर्फ इस दरख्त के पास मत जाओ वला तखरबा हदी शजरा। इस बात की तमसील थी कि आने वाली दुनिया में इंसान को जब भेजा जाएगा जमीन पर तो ये बात नहीं कि अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात पर रोक टोक लगाएगा या आपकी फितरत को कुचलेगा या आपके लिए चीजों के हलाल हलाल हर चीज को हराम कर देगा, एक चीज को खुदा हराम नहीं करेगा, आपके लिए हर चीज जायज रहेगी, आपकी किसी फितरत पर रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। आप अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर का लिविंग अच्छी हो, बच्चे खुश खुर्रम हो, तालीम पाए, एक चीज पर रोक नहीं लगाएगा अल्लाह का। आप अच्छा खाना चाहते हैं खाइए, लजीज खानों पर रोक नहीं लगेगी, अच्छे लिबास पर रोक नहीं लगेगी, फकुला में है शेतुमा जो चाहेगा जन्नत में जहां से छाओ खाओ कोई रोक नहीं है, वला तखरबा हदी शजरा बस इस दरख्त के पास मत जाना, यानी इस पूरी दुनिया में खुदा की ममनुआत बहुत बहुत छोटी सी है, बहुत थोड़ी सी है, बाकी सब कुछ तो मुबाह हलाल ही हलाल, खुदा ने सब कुछ इसका इनाम में हलाल रखा है, हराम तो चंद चीजों को किया है, लेकिन ये शैतान की कारीगरी है कि वह इंसान को यह समझाता है कि नहीं तेरी कामयाबी तो बस इसी हराम चीज में है बाकी किसी चीज में नहीं, बस वही जो मना है बस यही है जो तेरी कामयाबी का राज, जो सारी कायनात खुली पड़ी है तेरे लिए हलाल ही हलाल ये नहीं है, बस जिस चीज ने मना किया है इसी में तेरी कामयाबी है, तो शैतान उसी दर्द के पीछे पड़ जाता है। बुरा तकबाने शजरा खुदा तो कह रहा है तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी हुई जन्नत में कोई चीज मना नहीं है, बस एक दरख्त से मैं तुमको रोक रहा हूं तुम्हारे इस आजमाइश के लिए कि तुम शैतान का मुकाबला कर सकते हो कि नहीं, तुम मैंने इख्तियार दिया है, तुम गुनाह के रास्ते में भी चल सकते हो और तुम नेकी के रास्ते पे भी चल सकते हो, तो तुम इस आजमा लो अपने आप को इस आजमाइश के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो दर्द का है, दरख्त की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत इस बात की है कि इस भरी पूरी जन्नत में किसी चीज से नहीं रोका गया है, सिर्फ उसी के पास जाने से रोका गया है इंसान की इस आजमाइश के लिए कि इंसान में इतनी कुव्वत इरादी पैदा हो जाए कि वो शैतान को समझ ले, शैतान की चालों को समझ ले जिससे उसे सबका दुनिया के अंदर जाकर पेश आना है। तो ये तमसील थी आने वाली दुनिया की,
आने वाली दुनिया में भी फकूला रहने से जितना तुम जहां से चाहो खाओ, खुदा कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, तुम्हारी फितरत के ऊपर कोई बंधन नहीं लगा रहा है, कोई रुकावट नहीं लगा रहा है। सिर्फ एक ये दरख्त है, यहाँ पर तुम रुकना सीखो, ठहरना सीखो, ये इसकी ट्रेनिंग इसके अंदर ना कराई जाती है। हर चीज खाइए, हर चीज खाने की आपको इजाजत है, बस इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है कि खुदा के हुक्म से रुक जाना सीख जाइए, थोड़ी देर के लिए रुक जाना सीख जाइए, ताकि पूरी जिंदगी में आप इस ट्रेनिंग को इस्तेमाल कर सके। वही ट्रेनिंग इब्राहिम की कराई जा रही है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कराई जा रही है। इस दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओ। तुम्हें नुकसान जाएगा, खुदा जो है काशन दे रहा है, पहले से वार्निंग दे रहा है, इसके पास मत जाना। इसके पास जाने से तुम शिकस्त खा जाओगे, पहले राउंड में शैतान से हार जाओगे। शैतान ने वसवसा डाल ही दिया, गलत ख्याल डाल ही दिया, लहुमा उन दोनों के दिल में गलत ख्याल डाल दिया। कैसे डाल दिया? शैतान ने गलत ख्याल डाल दिया और ये बताया कि बस यही दरख्त तो है तुम्हारी कामयाबी का राज, जिस चीज से मना किया गया है सारी कामयाबियां उसी में छुपी हुई है। जैसे आज का आदमी भी यही समझता है कि खुदा ने जिन चीजों से रोक दिया है बस वही है कामयाबी, उसी में है इंसान की कामयाबी। जब तक शराब का जाम ना हो दस्तरखान के ऊपर, जब तक थोड़ा सा फौज घर में न बिखरे और बीवी थोड़ी सी प्रॉस्टिट्यूट ना हो जाए, तवाइफ ना हो जाए, जिंदगी का मैयार नहीं बना करता है। आज का इंसान भी यही समझ रहा है, जिन चीजों से खुदा ने रोका है उन पे उसने मैयार को डिपेंड किया है। खुदा ने किसी चीज से भी नहीं रोका था, ठाट से रखिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन जिस चीज से खुदा ने रोका है आदमी समझ रहा है कि उसके बगैर बात बनती नहीं है। घर में जब तक थोड़ी बहनगी ना हो, थोड़ा सा रक्स हो, सुरूद ना हो, तब तक जो है आदमी जदीद दौर का फर्द नहीं बन सकता। यही तो कैरियर की पहचान, यही तो मेयार जिंदगी की पहचान है, चीज यही आदमी समझ रहा है। जो चीज ममनू है उसी पर डिपेंड किया है आदमी ने अपने अपने आप को कि यही बस इसी को हासिल करने से कामयाबी मिलती है, तो उसी को शैतान ने वसवसा डाला। वसवसा तो कैसे डाला? अजीब अजीब कहानियां मिलती है, मैं तो पुरानी तफसीरों में, सांप सांप के मुंह में हवा बन के घुस गया, फिर मोर उस सांप को उठा करके ले गया, फरिश्ते हाय-हाय करके रह गए, लेकिन मोर अंदर घुस गया। शैतान के आने पर रुकावट लगी हुई थी, लेकिन ऐसे हवा बन के घुस गया, अल्लाह में कोई पता नहीं चला, शैतान अंदर पहुंच के बहकाने में कामयाब हो गया और आदम अलैहिस्सलाम को बहका दिया। ये नीला तारण चुके उसका प्रोमेडिट कर दिया था अंदर घुसना, तो शैतान ने ये तरकीब इस्तेमाल की कि सांप के मुंह में घुसा, उसकी सजा में अब सांप से कह दिया गया कि तू जिंदगी भर जो है सर के बल नहीं के चलेगा, और मोर जो है सांप को ले गया। क्या शानदार इंतजाम किया अल्लाह ताला के, हिफाजत इंतजाम सारे के सारे फेल हो गए, एक सांप और एक मोर ने मिलकर सबको नाकाम कर दिया। ये कदीम, अरे भाई यहां दुनिया में कैसे रास्ता कायम किया शैतान ने अंदर घुसे बगैर, यही तो है मसला। उसके लिए पूरी कहानी बनाने की क्या जरूरत है? दुनिया में हम देखते नहीं है क्या, एक आदमी दिल्ली में बैठे बैठे टीवी के जरिए हमको यहाँ गुमराह कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है कि यहाँ आगे आ गया, वो क्या दिया उन्होंने कि मस्जिद बनेगी, आज तक तो बनी नहीं, हमारे पास तो कभी आगे हमसे तो कहा नहीं, लेकिन यहाँ वसूल हमें डाल दिया। लोग वायरलेस से वसूल डाल लेते हैं, लोग जो है बगैर तार के कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। शैतान को तो खुदा ने बड़ी सलाहियतें दी है, बाहर रहकर वो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। क्या जरूरी है कि अपने जिस्म समेत जंगल में दाखिल हो और सांप और मोर का सहारा ले? ये पूरी कहानी बनाने की जरूरत क्या है? कोई भी अल्लाह ताला यानी वो उसने आदम अलैहिस्सलाम से रब्ता कायम किया, हम सबको गुमराह करता है, नहीं करता है शैतान? कब हमसे मुलाकात के लिए आता है, कब टाइम मांगता है हमारे ख्यालों में? एक ऐसा टेलीपैथिक रब्ता उसने बना रखा है, वो हमारे ख्यालों में घुस जाता है, हमारे खून में दौड़ जाता है, हमारी सोच में खुल जाता है। ये जब है तो ऐसे आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ, ऐसे ही हुआ, ख्याल उसने पहुंचा दिया, जिस टेलीपैथिक ख्याल पहुंच जाता है, कहीं से कहीं पहुंच जाता है, पहुंचा देते हैं लोग, ऐसे उसने पहुंचा दिया। खुद कैसे चला जाएगा जब उसको अल्लाह निकाल दिया था धुतकार के, तो कैसे घुस जाएगा, खुद कैसे घुस जाएगा? वो धुतकार के निकाल दिया गया, लेकिन उसने अपना ख्याल आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दिया। यही है वसवसा दिल में डाल दिया। लहुला दोनों के दिल में, यानी आदम और हव्वा, लहू नहीं, खाली आदम के दिल में नहीं डाला, दोनों के दिल। ये ईसाई लोग कहते हैं औरत ने गुमराह किया, औरत के दिल में डाला, औरत को जाके बहकाया, हव्वा जो है यहूदी की लालच में चली गई। यही तो ईसाइयों की पूरी कहानी, यहूदी की लालच में आदम सलाम के पास चली गई, आदम सलाम को बहका लिया, तब से जो है हव्वा जमीन पर उतर आई, और उसी की वजह से जो है औरत को जो है विलादत की तकलीफ होती है उसी की सजा में, और उसी वजह से वो हर महीने जो है तकलीफ उठाती है। औरत है जो वो आदमी खींच के लाई है जमीन के ऊपर, ये है बाप जननी, यह है किसकी गांठ,
औरत का कसूर नहीं, दोनों के दिल में उसने वसवसा डाला, वसवसा लहूना दोनों के दिल में डाला, एक साथ दोनों को उसने शिकार बनाया, जिसमें औरत की जिम्मेदारी डालना गलत है। ये इस्लाम है जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि औरत के दर्जे को वो गिराता है, और वो ईसाई है जो कहते हैं कि औरत के दर्जे को हम उठाते हैं, वो तो उसको पैदाइशी गुनाहगार, और ये मानते हैं कि तमाम दुनिया में फसाद की जाए वही है, और इस्लाम ये मानता है कि नहीं, औरत और मर्द दोनों को शैतान ने एक साथ गुनाह किया। कितना औरत के मकाम को सेव कर रहा है कुरान करीम, लहुमा, तो दोनों के दिल में ख्याल डाल दिया शैतान ने, लियुब दिया लहुमा मा पूरी अनहुमा मिन सवातिहिमा, क्यों डाला ये ख्याल, ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के ऊपर खोल दे, लियुब दिया लहुमा मा पूरी अनहुमा मिन सवातिहिमा, ताकि उनकी शर्मगाहें दूसरे पर खोल दे। शैतान भी इस बात को जानता है कि इंसान को गुमराह करने का सबसे नाजुक रास्ता क्या है, वो भी जानता है, जिंस और सिंफी ख्वाहिशात, यह है वो रास्ता जहां से इंसान के तमद्दुन को मैला किया जा सकता है, गदला किया जा सकता है। फ्राइड साहब ने तो अब पहचाना इसको आप, उनका जिस के ऊपर घूमता है सारा, और हमारे जदीद दौर के मुफक्किरीन कहते हैं कि तरक्की जब तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक औरत के कपड़े न उतार लें, औरत के कपड़े जब तक न उतरे तो वह तरक्की नहीं है तमद्दुन की, तमद्दुन की तरक्की औरत के डांस से शुरू होती है, कपड़े उतारने से शुरू होती है, जब तक थोड़ा सा वो रेस्टोरेंट और क्लबों के अंदर कपड़े उतार के नाचे नहीं तमद्दुन तरक्की याफ्ता नहीं है, और जहां बेचारे ने बुरका ओढ़ लिया अंधेरे में जागिरी, तहजीब जो है पूर्व ने मुस्ता की यानी अंधेरे में जागिरी, औरत और कुर्ता कर रही, औरत के कपड़े उतार फेंकना ये भी तरक्की की मेराज है इंसान की नजदीक, तो आज की नई बात नहीं, शैतान तो इस राज को पहले दिन से जानता था कि जब तक सिंफी बेहयाई नहीं पैदा की जाएगी और जब तक इंसान की सिंफी ख्वाहिशात यानी इंसान को बेनफात नहीं किया जाएगा और बेपर्दा नहीं किया जाएगा तब तक इंसान गुनाह के रास्ते पर नहीं जाएगा। तो इंसान को शिकार करने के लिए शैतान ने जब पहला वार किया वो उसके सिंफी जज्बे के ऊपर किया, बेनकाब कर दिया दोनों एक दूसरे के साथ, ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे पर खोल। अब कभी मुफस्सिर अजीब कहानी आज तक तफसीर देख रहा था, उसमें वो लिखते हैं खासे मुफस्सिर हैं हालांकि मुझे हैरत थी, वो लिखते हैं कि जन्नत में आदम को शहवत नहीं थी, अब जब कपड़े उतरे तो शहवत हुई, उन्हें अपने आजा के बारे में मालूम नहीं थी, कपड़े उतरे तो आजा के बारे में मालूम हुई, इंसान की कामयाबी इसी नजरिए, वो खैर ख्वाह बन के आते हैं
शैतान कभी भी ये कह के गुमराह नहीं कर सकता है कि मैं तुम्हारा बदला हूं, कि इसमें तुम्हारी नाकामी है, क्योंकि इंसान सिर्फ नजर खैर पसंद है और वो भलाई चाहता है और इंसान बर्बादी नहीं चाहता है। तो इंसान को बहकाने का तरीका यही है कि उसके सामने बर्बादी का रास्ता पेश करो ये कहकर कि ये तुम्हारी भलाई का रास्ता है। ये है शैतान के स्टाइल। तो खैर खो बन क्या है इंसान के सामने कि मैं तुम्हारी बेहतरी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम फरिश्ते न हो जाओ या कहीं तुम हमेशा रहने वाले न बन जाओ। क्या मालूम हुआ आपको इस बात से कि आदम जानते हैं कि मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं उससे कमतर, आदम ये समझ रहे हैं। जब तो लालच दे रहा है कि तुम्हें फरिश्ता भाई बनाना चाहता हूं, मैं लालच में जभी तो आ रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम की फरिश्ते को आदम से बेहतर समझ रहे, इंसान से बेहतर समझ रहे, फिर वो कह रहा है कि कहीं तुम्हारी जिंदगी हमेशा की ना हो जाए। Thank you.
कोई बात नापसंद हो, मगर अल्लाह ने उसमें बहुत ढेर सारा और खैर रख रखा हो, तो एक बात नापसंद हो उस पर बीवी को छोड़ दोगे और कितना खैर है उससे महरूम हो जाओ। ये कुरान ने कहा। तो दोहर तलाक के बारे में मसला याद रखिएगा, महामारी के हालत में दरार गुनाह, अगर बात हो गई है नहा धो लिया और मिल लिया हो तो उसको तलाक नहीं देना है, अगर एकदम मजबूरी हो कोई तरह ना निभे तो एक बार तलाक देना है, लेकिन एक बार तलाक देने के बाद भी लात खुरजू हुन्ना, अपने घर से उनको मत निकालना और न वो तुम्हारे घर से निकले, इज्जत में साथे रहेंगे तुम पर मुसल्लत, साथ ही रहेंगे, इसमें रुजू कर सकते हो या नहीं तो इज्जत गुजर जाएगा, खुद ब खुद वो बायना हो जाएगी, वो अपना निकाह करेंगे तो उन्हें निकाह करना इसकी इजाजत है। औरत को कहा गया है कि शौहर का हुक्म मानना, शौहर की बात मानना, उसके माल में खयानत मत करना। औरत को कहा गया कि बंद कमर के तुम बाहर मत निकलना। औरत को कहा गया कि गैर महरम से बात करना पड़े तो जुबान में मिठास अल्लोच मत पैदा करना। औरत को कहा गया कि ऐसा कपड़ा पहनना कि जिससे सिवाय चेहरे और गट्टों तक हाथ और जहां तक पैर वजू में पैर धोती हो वहां तक पैर इतना खुला रहे बाकी सर से लेकर पैर तक सब कुछ छुपा रहे। यह लाजम औरतों को भी हिदायत दे दी और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करें। मर्दों से भी कहा गया कि अपनी नजरें झुकी रखना और अपनी इज्जत की हिफाजत करना। औरतों से भी कहा गया नजरें झुकी रखना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, किसी गैर महरम के साथ कभी तनहा ना होना। ये सारी नसीहतें तो मुस्लिम माशरे के लिए हैं। इनको छोड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों? बदकारी फैलती है, बेहयाई फैलती है, बदकिरदारी फैलती है, इज्जत और आबरू का तसव्वुर खत्म हो जाता है और अब तो इन सब की कोई जरूरत नहीं। किसी गैर महरम के घर में आने की जरूरत नहीं और किसी औरत के लिए घर से बाहर जाकर किसी गैर महरम को देखने की जरूरत नहीं। अब तो टेलीविजन मेरे कमरे में है ही, वही बैठ के सारी फहाशी और बेहयाई हम देख सकते हैं और हमारी औरत, हमारी बीवी, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारा बेटा, हमारा दामाद और बाप सब मिलकर उन बेहयाइयों को सामने देखता है। पहले मोहल्लों से कोई लड़की अगर सिनेमा देखने चली जाए तो पूरी बिरादरी में हंगामा होता था। अब जरूरत क्या है? सिनेमा मेरे घर में आ गया है, अब हमको किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा बेहयाई और फहाशी का अड्डा है। बस मेरे दोस्तों, ये है निकाह, ये है बरासत, ये है तलाक, ये है एक दूसरे के हुकूम, बहुत कुछ ही सुलमान में है। लेकिन अब मौलाना मुझ पर रहम आ गया या अपने ऊपर रहम आ गया? अच्छा, आपकी क्या तय पाई है अकल? याद है कि भूल के सबक आप लोग? बात ये तय पाई है कि जैसे हुजूर करेंगे वैसे हम करेंगे, यही फैसला हमारा आपके बीच है और इस पर अल्लाह की ये सरजमीन गवाह है, ये कयामत के दिन गवाही दे रही है जमीन की। ये बात आपने तय की थी उसके खिलाफ आप करेंगे, हर जगह आप पकड़े जाएंगे, हर जगह पकड़े जाएंगे। हमने क्या किया कि नमाज में तो हम जनाब मगरिब चार रकअत नहीं पढ़ सकते, लेकिन जिंदगी में जो कुछ आएगा वो सब करेंगे। एक खास बात अब बहुत जबरदस्त है कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है जुएबाज हो गई। आदमी करता था जुआ खेलता था, अब गवर्नमेंट जुआ खेलती। यूपी स्टेट लॉटरी, बिहार स्टेट लॉटरी, राजस्थान स्टेट लॉटरी, फला राष्ट्रीय लॉटरी है क्या? लॉटरी जुआ है और जुआ हराम है। कुरान की सराहत के मुताबिक अगर कोई शख्स जुए के हराम होने को न माने और जुए को हलाल अकीदा करे तो वो काफिर हो जाएगा। मतलब याद रखिए, जिसको अल्लाह ने सराहतन हराम किया है उसको हलाल समझना, अकीदा करना, और जिसको अल्लाह ने सराहतन हलाल किया है उसको हराम अकीदा करना, ये कुफ्र है। मतलब याद रखिए, यहां तो आप लोग आपस में कुफ्र का फतवा देते हैं,
लेकिन जिन अमार में हकीकतन कुछ रहता है उनको भूल जाते हैं। तो जनाब जुआ हराम है, लॉटरी जुआ ही है, इसलिए लॉटरी भी हराम है। नाम के बदलने से हकीकत नहीं बदल जाती, लिहाजा मुसलमान लड़के और अब तो घर की औरतें भी पैसा भेज भेज कर लॉटरी का टिकट खरीद के मंगवा रही हैं और घरों में लड़ाई चल रही है। कई मियां बीवियों में अलहदगी हुई, मियां साहब को ये तो अफीम की तरह खाया जा रहा है। हालत क्या है कि बीवी की स्टोरी तक जाके बेच आया और बेच के टिकट ले आया। वाकयात है जो मैं आपको सुना रहा हूं। मेरे अजीजों, आप एक दूसरे को मना नहीं कर सकते, अपने बेटों का हाथ नहीं रोक सकते, अल्लाह का खौफ नहीं दिला सकते, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नहीं दिला सकते। चले जाइए तो हर चौराहे पर सट्टा चल रहा, हर चौराहे पर सट्टा। जब 150 हो गया तो 50 रुपये हमसे वसूल कर रहा, यही तो सट्टा है। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खबरदार, किसी शय को जिसको तुमने खरीदा हो कबर कब्जा किए हुए बेचना मत। जब तक वो शय तुम्हारे पोजेशन में नहीं आती तुम्हारे लिए उसका बेचना हलाल नहीं होगा। सट्टे का रिवाज यानी हराम रोटी जिस तरह है हर आदमी खाए चला जा रहा है। मेरे अजीजो, ये सब हराम की आमदनी है। अल्लाह के सामने तौबा करो, माफी मांगो कि ऐसी हरकत हम नहीं करेंगे। और जो दिल हराम माल से पड़ेगा उस दिल को कभी चैन नहीं मिलेगा। हजरत भाई जो मुस्तानी के जमाने में एक शख्स चारों तरफ घूमता था हर बुजुर्ग के यहाँ, दिल को चैन नहीं मिलता, दिल को चैन नहीं मिलता, दिल को चैन नहीं मिलता। आपका भी वही हाल है, हमारा भी वही हाल, दिल को चैन नहीं मिलता। उन्होंने कहा, सबने कहा कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल को चैन मिलेगा। जब अल्लाह का जिक्र कर रहा, ऐसा जवाब हम लोग आप लोगों को देते तो बड़ा खुश होगा। जा फलानी सूरत पढ़ लेना, जा फलाना इस्म पढ़ लेना, जा एक तावीज देते हैं तावीज लगा ले गले में, जा चैन मिल जाएगा। आसान है, कुछ करना नहीं। लेकिन जब आदत बयादी जब उस्तानी की खिदमत में हाजिर हुआ वो शख्स, अगर दिल को चैन नहीं मिलता, हजरत ने फरमाया हलाल रोटी खा हराम रोटी से बच। उसने कहा हजरत जितने बुजुर्गों के पास गया सबने कहा कि जिक्र कर। मैंने समझा कि आप कुछ दुआ बताइएगा। अब कुरान की लिखा हुआ है कि अल्लाह के जिक्र से जिनको चैन मिलता है। फरमाया कि मियां, इंसान का दिल अरशे इलाही है, इंसान का दिल अरशे इलाही है। अगर इस दिल को हराम रोटी से पाला गया तो ये गंदा और नापाक होगा, और गंदी जगह शैतान की है और पाक जगह रहमान की है। उस दिल में अल्लाह आएगा कैसे जिस दिल को पाला ही गया है हराम और नापाक रोटी से। इसलिए जब अल्लाह नहीं आएगा तो चैन कहां से मिलेगा, ये जिक्रुल्लाह कैसा। तो जनाब हराम रोटी से बचना होगा। मेरे अभी तो जैसा मैंने शुरू में कहा था आपको, कुरान का एक पूरा रुकू बनकर उससे ज्यादा इन सारी बातों पर है। जो पैसा अल्लाह ने आपको दिया है, ए दोस्तों, उस पैसे को खबरदार खबरदार नुमाइश में मत खर्च करना, फजूल खर्ची में मत लगाना। वलीमे पर, अकीके पर, अच्छा ये भी मजा है कि दावत भी खिलाएंगे पैसा भी लेंगे, गिफ्ट के नाम पर पैसा मिले। अरे दावत खिलाए हो तो खाना बेचे हो तो क्या होटल खोल के बैठ जाओ। क्या वाकई इंतहाई दर्जे की रसालत है, समझ में नहीं आता। वलीमे के नाम पर रोटी खिलाएगा पैसा भी चाहेगा, और न दे तो अंदर अंदर कौवा महसूस करेगा और समाज में हम अलग गिरेंगे। यही हाल वलीमे का, यही हाल अकीके का, यही हाल शादी के नवैद का है। ये सारी वो चीजें हैं जो शरीयत आपको इजाजत नहीं देती। आप समाज के इन तमाम चीजों को मिटा रहे। असल में शुरू में, पहले जमाने में
जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होता तो रिश्तेदार लोग 10 मन चावल भेज देते, 4 मन गेहूं भेज देते। क्यों? वो समझते थे कि साहब 10 की लाठी 100 का बोझ, कि 10 आदमी मिल करके हम इसको थोड़ा थोड़ा भेज देंगे तो इसके बेटी की शादी हो जाएगी, मुश्किल खत्म है। बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत का घर पर, यानी ये कोऑपरेशन था, साहब उन्हें बाहरी था दरअसल। मगर कोई वापस करे या न करे, किसी की कोई भी हालत हो, इसका तफादा नहीं होता था, मुतालबा नहीं होता था, इसको कर्जा नहीं समझा जाता था। फिर तुम्हारी बेटी का ब्याह हुआ था, हमने भी दे दिया, अगर हुआ मेरे पास ना हुआ तो कोई एतराज नहीं। लेकिन अब ये चीज कर्जा बन गई है लोगों, और उसने इसको कर्ज बना दिया, ये जबरदस्ती की बात है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। मिठाइए लेकिन जब शैतान जन्नतों से यूं कह रहा है कि तुम्हें हमेशा की जिंदगी में देना चाहता हूं, तो आदम ये जानते हैं कि मैं जन्नत में हमेशा नहीं रहूंगा, बल्कि मुझे नीचे उतरना है, फिर मुझे मरना है। और शैतान बता रहा है कि तुम्हें हमेशा की जिंदगी में देना चाहता हूं। फिर जब वो कहता है कि मैं तुम्हें फरिश्ता बनाना चाहता हूं, तो इसका साफ मतलब यह है कि आदम अपने आप को फरिश्ते से कमतर समझते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि फरिश्ता गुनाह नहीं करता है और मैं गुनाह कर सकता हूं। इस बिना पर अपने आप को फरिश्ते से कमतर समझते हैं, वरना शैतान के ठिकाने में आते ही नहीं। वो तो यूं कहते, मैं तो मस्जिद में लाइक हूँ, फरिश्तों ने मुझे सजदा किया है, तू मुझे क्या फरिश्ता बनने का लालच दे रहा, और मैं तो जन्नत में हूँ, हमेशा जिंदगी मुझको हासिल है, तू क्या मुझे हमेशा जिंदगी का लालच दे रहा। लेकिन ये अल्फाज साफ बता रहे हैं, आदम पूरी बात जानते हैं क्या बात, कि गुनाह और खैर और शर की कश्मकश होना है, और ये बात भी होना है कि मुझे दुनिया में जाना है, हमेशा जन्नत में नहीं रहना है। और ये बात भी जानते हैं कि मैं गुनाह भी कर सकता हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, और ये बात भी जानते हैं कि मेरी जिंदगी हमेशा की नहीं। ये सब बातें वो जानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम तो वो उसको बहका रहा है। बाकी सवाल कर सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम इंसान अव्वल, खुदा के पैगंबर, क्यों बहकाने में आए, क्यों खुदा की ने फरमाई उन्होंने की, शैतान के बहकाने में आए क्यों, जबकि अल्लाह ने आगाह कर चुका है, बता चुका है, हर बात को वार्निंग दे चुका है, जिसको आप अच्छी तरह समझे। मना करने की किस्में होती है, बार दफा नहीं, तहरीम से कहते हैं मना किया जाए, हराम करार देने के लिए कि ऐसा ना करो, बादवा मना किया जाता है, शफकतन शफकतन मना किया जाता है, बस प्यार के लिए तुम्हें तकलीफ हो, सर्दी है, आपसे कह रहे हैं मत जाइए, ये नहीं आपको तकलीफ, इसलिए। और बादवा हराम करने के लिए मना करते हैं, उसमें ट्रेन है, ट्रेन पर 2 तरह की रियायतें लिखी होती है, एक तो ये कि टिकट बगैर टिकट सफर ना करो, ये नहीं तहरीम है, यानी अगर आप बगैर टिकट सफर करेंगे तो ये जुर्म होगा। और एक होता है प्लेटफॉर्म पर मत थूको, ये नहीं शक्त है, यानी आप थूकेंगे तो आपको तकलीफ होगी, इसके ऊपर यानी जुर्म नहीं है, ये जुर्म नहीं है, बगैर टिकट सफर करना जुर्म है, लेकिन मना दोनों चीजों से किया जा रहा है, उसको इस चीज को नहीं शक्त कहते हैं कि खुदा ने शफकतन मना किया है, शफकतन। आदम अलैहिस्सलाम यही समझे गालिबन कि ये जो अल्लाह ने मना किया है दरख्त के पास जाने से, ये शफकतन मना किया है, नहीं ये तहरीम नहीं है, हमारी कमजोरी का ख्याल करते हुए शफकतन मना किया है अल्लाह ताला ने, जैसे बच्चों को रोक देते हैं किसी चीज से, मिठाई मत खाओ या आइसक्रीम मत खाओ, ऐसे रोक देते हैं, ऐसे मना किया है, इसलिए उनसे एक रवैया गलती हुई, जिसको फासा आदम रबो फगवा, और एक जगह गलसिया, भूल गए आदम अलैहिस्सलाम, भूल गए इस बात को, भूल गए इस बात को कि मैं तो मस्जिद में मलाइक हूं, मुझे तो फरिश्ते ने सजदा किया है, फरिश्ते ये मुझे फरिश्ता बनने के लालच दे रहा है, ये बात ही क्या हुई, ये बिल्कुल भूल गया कि मैं तो अजीम कर हूं इससे, मुझे तो सिर्फ ये याद रहा कि मैं गुनाह कर सकता हूं, फरिश्ता गुनाह नहीं करता, इसलिए फरिश्ता अजीम कर होता है, और मुझे सिर्फ ये याद रहा कि अगर मैं हमेशा जिंदगी पालूंगा तो अल्लाह ताला की, यानी मैं इबादतगार बंदों में हो जाऊंगा, अल्लाह ताला मुझे नजरअंदाज कर देगा, इतनी सब्जी से उसने मना नहीं किया है, उसको ना ही शक्त पर महमूल किया। तो शैतान ने कहा कि अल्लाह तो सिर्फ ये चाहता है, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम फरिश्ते बन जाओ या हमेशा जिंदगी तुमको मिल जाए, वका समा हुमा, और कसम खाए चला गया, असमा हुमा, खाली असमा नहीं कहा, अगर असमा हुमा कसम खाए चला गया, वो जो मैकेनिक का फलसफा है, झूठ बोले जाओ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे, रिपीटेशन जो है, बार 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 ये बात कहा जाता है तो झूठ भी सच लगने लगता है, वही शैतान सिखा रहा है, एक झूठी बात को कहे चला गया, कहे चला गया, कहा समा होगा इन्नी लकुमा लमिनन्नास सहीन, और ये कहता रहा कि मैं तो तुम्हारा खैर खां बदखाही खैर खाही के पर्दे में करता है शैतान, ये है शैतान का स्टाइल।
हमने लगमा लगनी बना सकी, मतलब लाभमा बिगरूर। फिर इस तरह से वो उन दोनों को अपने ढंग पर ले आया, बहका लिया, फुसला लिया। फलम्मा जाता शजा रहा था, जब उन्होंने वो दरख्त चख लिया, बदत लहुमा सवा तुमा, उनकी शर्म गाहें, उनके सदर एक दूसरे पर खुल गए। अभी तक तुम जन्नत में मेहमान थे, खुदा तुम्हारी हिफाजत कर रहा था, तुम अभी तक तुम्हें एक ट्रेनिंग पीरियड में रखा जा रहा था, तुम्हारी तरबियत होना थी, बस इसलिए अभी कुछ दिन तुम्हें जिम्मेदारियां डालने से पहले, जैसे किसी भी इंसान को थोड़े दिन रखते हैं दुल्हन को, यानी घर का कारोबार संभालने से पहले कुछ दिन आराम कराते हैं, वैसे तुम्हारे आराम के दिन थे ये। तुम्हारे लिबास का, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हमारे जिम्मे था, लेकिन अब जब तुम किन ने पहला स्टेप उठा लिया है और तुमने हमारी नाफरमानी कर ली है, अब तुम फील्ड में आ गए, मार गए, खैर शर में आ गए, अब तुम गुनाह कर अपने अख्तियार को इस्तेमाल कर चुके हो, ज्यादा अख्तियार की दुनिया में अब तुम दाखिल हो गए हो, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, अपने लिबास का इंतजाम खुद करो, अब हम तुम्हारा लिबास उतारेंगे, हमारी मेहमानी खत्म आज। तुमने अपने अख्तियार का इस्तेमाल किया है, तुमने अपने आदम होने का सबूत दिया है, जो मार के खैरशर बर्पा होना है उसमें पहला कदम तुमने उठा लिया है, हमारा लिबास वापस, हमारा खाना पीना वापस, अब सारे इंतजाम तुम खुद करो। किस लिए? ये खैर शर के इस मार्के में कूदना और दुनिया के अहबाब को हाथ में लेना, ये दोनों चीजें एक दूसरे से लाजिम मज़ूम साफ मतलब यही तो है, नेकी और दुनिया के सामान का इंतजाम एक साथ है। खिलाफत का मतलब यही है कि दुनिया के कंट्रोल अपने हाथ में संभालो और इसकी सारी चीजों को अल्लाह के बताए हुए जब्त के मुताबिक इस्तेमाल करना सीखो। इसलिए अल्लाह ताला ने जो ही गुनाह हुआ वैसे ही दुनिया के चक्कर में डाल दिया कि अब तुम जाओ अपने लिबास को इंतजाम करो, अब दुनिया की चीजों को संभालो, असबाब वसाइल को अपने हाथ में लो, अपने कपड़ों को सियो, अपनी गजा को खुद इंतजाम करो, हमारी बीमारी खत्म होती है। वरना कर दो दान्या का मतलब गुनाह होते कर दो दान्या का मतलब ये कि बस अब आप अपनी जिंदगी में आ गए, अब संभाले अपना पोर्टफोलियो, जाइए अपने कपड़े का इंतजाम खुद कीजिए और उस खिलाफत का मुस्तहिल खुद को साबित कीजिए जिस चैलेंज के साथ आपको जीने की जरूरत है। ये फर्स्ट राउंड था जिसमें आप हार गए, ये जन्नत में हुआ फर्स्ट राउंड जिसमें आप हार गए, सेकंड राउंड जाइए जमीन के ऊपर अंजाम दीजिए और अपने इस छिने हुए टाइटल को वापस देने की कोशिश कीजिए। ये अल्लाह ताला ने कपड़े उतार लिए, अल्लाह ताला ने फलम्मा ज़ाका शजरा बदलता हुआ सवा तुम्मा, उनके कपड़े उतर गए, वत्तफ़िका या सिफारे अलैहिमा मिन बरकतिल जन्नत, और वो दोनों लपेटने लगे जबरदस्ती का इन पत्थर घोड़ा के लपेटने लगे तफिका या सिफार बनवासी की पूरी तस्वीर कुरान करीम खींच रहा है, पत्थर में गाड़े देने लगे, जब सिफाने आली में गाड़े देने को पूछने को कहते हैं, जब सिफाने आली में पत्ते घबराहट में कुछ नहीं सूझा, जो हाथ लगा वही, जो भी सामने नजर आया वही जिसम पर लपेटने लगे। इसे क्या मालूम हुआ आपको? शर्म और हया इंसान की बुनियादी फितरत में शामिल है, जैसे कि तौहीद उसकी फितरत में शामिल है। फ्राइड साहब कहते हैं शर्म तो दुनिया में हमके पैदा होती है, शर्म दुनिया में हमके पैदा होती है। फ्राइड का मतलब वही है, हाथ दिखाने में हम किसी को नहीं शर्माते हैं क्योंकि बचपन से हाथ दिखाते रहे, इसको हमने छुपाया नहीं। मुंह दिखाने में नहीं शर्माते हैं क्योंकि मुंह हम बचपन से सबको दिखाते रहते हैं, इसलिए नहीं शर्माते हैं। जिन लड़कियों का मुंह छुपाया रहता है वो मुंह दिखाने में शर्माती है, ऐसे ही हम अपने जिनसी आदा को दिखाने में इसलिए शर्माते हैं कि इनको छुपाया जाता है बचपन से, और न छुपाया जाए तो हम न शर्माए। तो शर्म और हया फितरी जज्बा नहीं है, ये माहौल पैदा करता है। फ्राइड ही कहते हैं ये माहौल की गलत तबियत पैदा करती है, लेकिन कुरान करीम बता रहा है कि शर्म और हया इंसान की फितरत में शामिल है। इंसान की फितरत ही अगर मस्खदा हो जाए तो जानवरों की तरह नंगा रहना उसको पसंद नहीं है, उगता जाता है, रूक जाता है। जो कौमी गृहनगी के रास्ते पर चल रही है दोबारा अपने शराब को रास्ता अपनाना चाहती है, फिर शराब को अपनाना चाहती है। जो यानी तहजीब का नाम लोग दे रहे हैं गृहनगी को आज, लेकिन ये बहुत जल्द उगता जाएंगे। इंसान घर वहशत में जब बिल्कुल था कोरोना गुस्सा में, उस वक्त भी नंगा घूमता था कर्म तमद्दीन दौर में, और आज जबकि तहजीब के इंतखा के दौर में कब्र दान को एक बार फिर फंकी मेरा समझ रहा है। फ्रेंच बात कहते हैं वो लोग नंगवा नहाने को, बचपन में हमारे में जाने कितने फ्रेंच बात लेते रहते हैं बच्चे, अब ये लोग बड़े होकर फ्रेंच बात कहते हैं कब्र दान देने को गलों के अंदर। ये तमद्दन का इंतखा नहीं है, तो बैक टू दी कन्वीनियंस एक बार फिर घर वहशत में जा रहे हैं, लेकिन ये इंसान की ऐसी फितरत नहीं है। इंसान की फितरत में शर्मा हया है, इंसान जानवरों से अंदाज रहना चाहता है, और इसका आगाज पहले लगने हो गया था। बदहवास में जब मतलब लपेटना है ये बता
अजीब सांग उठाए बरामादा करती है, जो दूसरे का खून करने से रोकती है, दूसरे का हक मारने से रोकती है, यही वो शिद्री महाजी को चौकीदार है जो खुदा ने रखा है, यही तो गुनाह से रोकता है। और शैतान इस बात को जानता था कि अगर गुनाहगार बना रहा है इंसान को तो इस महाजी को उठाना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले पिछड़ मुहैया कि उसका हमला किया उसने, और इसलिए सबसे पहले उसने वो रास्ता अपनाया जो कि कपड़े उतर जाए और ये एक दूसरे में बेनकाब हो जाए, उनकी जो सिंफी हिलाकत थी उसको सबसे पहले हमला बनाया उसने कि इसी रास्ते से मैं गुनाह में खींच ला सकता हूं। तो मालूम हुआ कि जो चीज इंसान गुनाह से रोकती है वह शर्म, और शर्म जब खत्म हो जाती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, जिसको हुजूर ने शायद फरमाया कि जालम मुस्तही हसना माशिद, जब तुम्हारे अंदर से शर्म निकल जाए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बुनियादी चीज यह है कि अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में शर्म डाल दी है शैतान का मुकाबला करने के लिए, उसी गुनाह की जो गुनाह वक्त से कराना चाहता है, तो हमें गुनाह से रोकने के लिए जो अल्लाह ने अंदर एक चौकीदार रखा है उसका नाम है शर्म। शैतान ने सबसे पहले उसी पर हमला किया, उसी पर हमला किया था, और वही यादी हमारा महाफिज है, वो पहले दिन से हमारे अंदर मौजूद है, और इसलिए आदम ने पहले ही मरहले में बेलिबास होते थे तुम्हारे आगे मानी बरा थी जन्नत वरादा होगा रबूबा, और उनके रब ने उनको पुकारा अलम अन हकुमा तिलकुमा शजरा, क्या मेरे तुम दोनों को दरख्त से रोका नहीं था, काकुल लकुमा तुम दोनों से मैंने कहा नहीं था, मर्द और दोनों से तुमसे, इन शैतान लकुमा लकुम मुबीन, के शैतान तुम दोनों का गुनाह वर्जिश करते, तुमको मैंने वार्निंग नहीं दे दी थी इस बात, आला रब्बना ज़लमना सुना, तो दोनों पुकार उठे, दोनों पुकार उठे, आदम नहीं खाली हम मर्द औरत की पुकार उठी मर्द के साथ साथ, और हमारे परवरदिगार यकीनन हम जब पर सुन किया, यह है इंसान के अंदर, इंसान ने पहले मरहले में शैतान को चित कर दिया और साबित कर दिया कि मैं तुझसे बढ़कर हूं, यह रास्ता चैलेंज का रास्ता है, गुरूर का रास्ता है, तकब्बुर का रास्ता है, और मेरा रास्ता सर चुकाने का हादसादी का रास्ता है, मैं गुनाह करता हूं तो माफी मांगता हूं, मैं गुनाह करता हूं तो चैलेंज नहीं देता, खुदा के सामने तौबा के लिए हाथ फैला देता हूं, यह है मेरी अलमत। इंसान को शैतान ने जिस दाव से चित किया था, अल्लाह ताला ने वापसी के लिए शैतान को अपना इंकलाफी करने के लिए उसको एक चीज दी है जिसको तौबा कहते हैं, वो अपनी इंकलाफी कर लेता है, खोए मकाम को वापस ले लेता है। यार शैतान तकब्बुर से चिरज का रास्ता अपनाता है, गुरूर का रास्ता अपनाता है शैतान, उसने खुदा के मुकाबले में उसने अपने मुकाबला इंसान से भी नहीं माना, खुदा से माना, और खुदा को चिरज दिया उसने, तकब्बुर किया उसने, सर उठाकर बात की उसने, और इंसान से गुनाह हुआ तो गुनाह से किया जरूर लेकिन खैर समझ के किया, इंसान बस्ती में गिरता है बस्ती समझ के नहीं गिरता है, बुलंदी समझ के गिरता है, इंसान गुनाह करता है गुनाह समझ के नहीं करता है, खैर समझ के करता है, और गुनाह हो जाए और उसको एहसास हो जाए कि गुनाह है तो वो अपने रब के आगे झुक जाता है, इंद्रावत के आंसू बहा लेता है, ये बात शैतान को नसीब नहीं है, एतराज हक है इंसान में, खासदारी है इंसान में, गुनाह का एहसास है इंसान में, शैतान में नहीं है। तो मालूम हुआ कि ये रवैया दोनों आपको बताता है कि कौन सा रवैया दुनिया में शैतान का है और कौन सा इंसान का है। हक अगर आपके सामने आए और वो आपके ख्वाहिशात से टकराता हो और आपके गुरूर एनफ से टकराता हो, जैसे शैतान के गुरूर से टकराया कि मैं तो आग से पैदा हुआ हूं, ये तो मट्टी से पैदा हुआ है, हक शैतान के गुरूर से टकरा गया, तो हक अगर आपके गुरूर से टकराता है और आपके मफादात से टकराता है और उसके रात मुकाबले में आप चिलंज का रास्ता अपनाते हैं, गुरूर का रास्ता अपनाते हैं, मुकाबले का रास्ता अपनाते हैं, तो ये शैतान का रवैया है, और उसके मुकाबले में आप सच चुकाने का रास्ता अपनाते हैं, लजिश अगर आपसे हो जाए तो आप खुदा के आगे माफी और तौबा का रास्ता अपनाते हैं, तो ये इंसान का रास्ता है, ये दोनों रास्ते हैं। जो प्रभु अल्लाह मुश्किल ने मक्का को समझा रहा है आखिर में शुरू में आया था कि तुमने कुरान करीम का और गुरूर से इनकार किया है, सिर्फ इसलिए इनकार किया है कि तुम गुरूर में मुब्तला हो गए, तुम्हें अपनी ताकत पर नाज है, अपनी जमीयत पर नाज है, अल्लाह ताला समझा रहा है हक के इस मुकाबले में तुमने जो रवैया अपनाया है वो दरअसल इस पूरी कहानी की रोशनी में शैतान का रवैया है, न कि इंसान का रवैया, इंसान का रवैया तो आपके सामने झुक जाने का, उसको तस्लीम करने का रवैया है। बड़ा अपना कलमदार सना दोनों पुकार उठे या फिर ने परवरदिगार तुमने वहां पर जुर्म किया, हमने हमने अपनी जान पर जुर्म किया, अपना कलमदार हमने यकीन जुर्म से गलती हुई, वे माफ कर, हम भटक गए थे, हमें शैतान ने बहका लिया, खूबसूरत अल्फाज बोल करके हमें आंखें चकाचौंध कर दी हमारी, कमजोर है गलम तफरी ना बहम ना, तू अगर बख्शे नहीं और तू मेहरबानी न करे अगर पूर्ण मिलासी तो हम कहां जाएंगे, हम तो घाटे में पड़ जाएंगे। इंसान ने जो है अपनी बात की पश नहीं की, अपनी गलती को सही करने की कोशिश नहीं की, उसके लिए दलाई नहीं तराशी,
नहीं किया, गलती को मान लिया, तस्लीम कर लिया, यही इंसान की असमत है, यही इसकी बड़ाई है, जिसके मुकाबले में अल्लाह ने शैतान के मुकाबले में इंसान को मस्जिद मलाइक को खलीफा अर्श बनाया है। वैलम अकीना फरहमना लनकुन मिन खासिरीन काला हबितु बअदुकुम लिबअदिन अदु। अल्लाह ने फरमाया उतर जा, टाइम खत्म तुम्हारा, टाइम खत्म तुम्हारा, ये भी तू नीचे उतरो, ये तो मेरा मनसूबा था, तुम्हें तो उतरना ही है नीचे। इधर ट्रेनिंग पीरियड था, मैं तुम्हें बताना चाहता था शैतान तुम्हें कैसे कैसे बचाएगा, कैसे कैसे गुमराह करेगा, खूबसूरत वादे करेगा, कसमें खाएगा, जिस चीज से मैं रोकूंगा उसी में तुम्हारी कामयाबी का राज दिखाएगा तुम्हें। ये तो एक शैतान का स्टाइल है, तरीका है, ये मैं तुम्हें समझाना चाहता था। बात खत्म हो, यही भी तू अब उतर जा, टाइम खत्म हो चुका, यही भी तू एक दूसरे के दुश्मन बन के उतर जाओ। ये तो अब स्टाइल जमीन में होना है, ये रसमदार खैर शर है, हमको बातिल की लड़ाई दुनिया में होना है, तुम्हें एक दूसरे के दुश्मन हो, तुमने शैतान से उसका मकाम छीना है, शैतान ने तुमसे तुम्हारी जन्नत छीनी है, तुम दोबारा उस दर्द को वापस लेना चाहते हो और शैतान अपनी खुदी को साबित करना चाहता है। दोनों जज्बे दुश्मनी से सरशार है एक दूसरे से, अब मार गए खैर शर दुनिया में पूरी ताकत के साथ बर्पा होगा, क्योंकि कोई भी न्यूट्रल नहीं है, हर एक के सामने अपनी अपनी डिफेंस है, हर एक के सामने अपने टाइटल का बचाव है, इंसान खिलाफत का टाइटल बचाना चाहता है, शैतान अपने दावे को साबित करना चाहता है। इसलिए अब इस डुएल को होने दो, दुनिया में इस जंग जंग आपको बागल को होने दो और जमीन पर एक दूसरे के दुश्मन बनकर उतर जाओ। मतलब तुम फिलहाल की मुस्तकर हो, तुम बताओ इब्राहिम, कुछ दिन तुम्हें जमीन में रहना है, कुछ दिन वहां से फायदा उठाना है। आलफिया अल्लाह ने कहा उसी से तुम्हें वही तुम्हें मरना, वही तुम्हें जीना है, वही आता मुतून वही तुम्हें मरना है, वही तुम्हारा जीना मरना है जमीन में। अब वली रहा तुम रजून और उसी से तुम दोबारा उठाए जाओ। और उस आखिरी दिन, चूंकि शैतान ने आखिरी दिन तक की मोहलत मांग ली है, इलाजों में मासूम तक की मोहलत मांगी है कि जब इंसान दोबारा उठाए जाए, वरना इंसान मरने के बाद खत्म हो जाता है, उसकी बख है, उसकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती, शैतान का भी जितना भी वसवसे का सलाहियत है वो भी खत्म हो जाती है इंसान के मरने के बाद। लेकिन इंसान ने चूंकि यौम वसूल तक की मुहलत शैतान ने चूंकि मांगी है, इसलिए अब ये फैसला तुम अजीम हो गए, शैतान अजीम है, आखिरी फैसला ये फाइनल ये उस दिन सुनाया जाएगा। सब